बचपन से सुनता आया, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। आज मैं खुद कहता हूँ मेरा भारत महान। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ देश नहीं है, हमारी माता है, भारत माता है। कभी आपने सोचा कि अमेरिका के पीछे माता क्यों नहीं लगता, रूस के पीछे माता क्यों नहीं लगता, जापान के पीछे माता क्यों नहीं लगता, सिर्फ हमारे भारत के पीछे ही माता क्यों लगता है? हम ही क्यों कहते हैं कि भारत माता की जय? पता है क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी अवतार वो हमारे भारत माता की गोद में। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया तो हमारी भारत माता की मिट्टी मिली। श्री कृष्ण भगवान ने अवतार लिया तो भारत माता की मिट्टी मिली। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, न जाने कितने ऐसे वीर इस धरती में जन्म लिए और इस धरती में ही मिले। इसलिए कहता हूँ मेरा भारत महान, और इसलिए कहते हैं भारत माता की जय, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे वीरों ने जन्म लिया और आगे भी लेते रहेंगे, जो सारी दुनिया में अमर है और आज भी अमर है। जय हिंद, जय भारत। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म इस भूमि, इस देश में हुआ, जहां वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ना जाने कितने ही शहीदों ने जन्म लिया। उन वीर क्रांतिकारियों को मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। जय हिंद, वंदे मातरम। है मेरी जमीन, अफसोस नहीं। अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझसे पूछा गया तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं। मुझसे पूछा गया कि तेरी जात क्या है, तो मैंने कहा मैं अपनी मिट्टी की एक निशानी हूं। और अपने आप को किसी जात का बताने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूं।